हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए और आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं नए रेसिपी करेला दो प्याज़ा। तो हम किस तरह से बनाएंगे, जब आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी तो पता चलेगा। इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं बनाने। तो करेला को हमने धो कर के काट लिया है और प्याज को भी काट लिया है बराबर में। जितना करेला है उतना ही प्याज हमने लिया है और साथ में फौरन के लिए मिर्ची, हरा मिर्ची पक चुका है उसको ले लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे। गैस जब जलेगा तो कढ़ाई गर्म हो जाएगा और इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। करेला दो प्याज़ा में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम तेल डाल दिए हैं। अब जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे राई। राई का फौरन लगाने से सब्जी या भजिया सब में सुनहापन आता है। तो हमने राई का फौरन डाल दिया और अब इसमें हम ऐड कर दिए हैं लाल मिर्ची। फौरन के लिए और ऐड कर दिए प्याज को। 5 से 10 सेकेंड हम प्याज को फ्राई करेंगे धीमी आंच पर, ताकि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, जले नहीं। बिल्कुल धीमी आंच रखें गैस को और ये प्याज ब्राउन हो गया है तब इसमें हम ऐड कर देंगे करेला को। इस तरह से बनाइएगा तो करेला में थोड़ा भी कड़वाहट नहीं रहेगा, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो हम करेला को बराबर चलाते रहेंगे और ढक करके चलाएंगे। कुछ देर पर ढक करके हटा के हम चलाते रहेंगे। ढक देने से जल्दी फ्राई हो जाता है। तो अब ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच से 1/4 चम्मच है हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर थोड़ा सा भी डालने से सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर आता है। और अब ऐड कर दिए स्वाद के अनुसार हम नमक। सब्ज़ी के अनुसार ही नमक डालिएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा भी अधिक नमक हुआ सब्ज़ी का टेस्ट गायब, इसलिए अंदाज से नमक डालिए स्वाद के अनुसार। तो परवल तो करेला दो प्याज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। नहीं खाने वाले भी बहुत मज़े से खाते हैं। तो हम ढकते हुए फ्राई करते रहेंगे करेला को और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे क्या होता है, करेला का कड़वाहट खत्म हो जाता है।
तो इस तरह से हमने करेला को निचोड़ करके फ्राई तैयार करेंगे। और कुछ ही देर में अब हमारा करेला दो प्याज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा और नींबू निचोड़ देते हैं अच्छा से। इसे अच्छा हो चुका तो फिर मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा करेला फ्राई तैयार हो गया है, यानी करेला दो प्याज़ा कहिए। और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए अच्छी तरह से करेला पक चुका है। और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों फ्रेंडों तक कीजिएगा। और फिर से कह रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करके हमें सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं हम।